Hello and welcome to Management Nazariya. This is Prajakta. I have just come here to wish you Happy Independence Day. 1 minute. Are we really independent? क्या हमारी सोच इंडिपेंडेंट है? सोचो. नहीं है. हम अभी भी पुराने सोच के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से. आपको पता है ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया रैंक्स 141 अमंग 163 कंट्रीज, विच इज नॉट अ गुड पोजिशन. हम कहाँ जा रहे हैं यार? वी आर सो फार बिहाइंड. इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन एंड वी से इंडिया इज फ्री. लाइक सीरियसली, प्लीज थिंक अपॉन इट. वी नीड टू पॉन्डर ऑन दिस सिचुएशन. यू नो, हमें बहुत ज़रूरत है एक गहरी सोच की इन मामलों में. आपको पता है सरकारी नौकरियां, एक सरकारी नौकरी के लिए, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए इंसान अपनी जान लगा देता है, रात दिन बराबर करके रखे हुए रहता है. लेकिन जब आप उस सरकारी नौकरी को पा लेते हो तो क्या आप उतनी मेहनत करते हो? अपने काम में भी उतनी सजगता, उतनी ईमानदारी दिखाते हो? आपको पता है अभी भी कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो पर्सनल ग्रजेस के कारण अपने सबॉर्डिनेट का फाइल रोक के रखा है उन्होंने, और वो उनके काम को नहीं आगे बढ़ने देते हैं क्योंकि उनका पर्सनल दुश्मन नहीं रहता है, पर्सनल रंजिशों के कारण, क्योंकि शायद उस एम्प्लॉय ने कभी उसे उसकी गलती की एहसास दिलाई होगी, उसकी बातों पे सहमत नहीं किया वो, इसलिए वो बुरा हो गया. और अगर कोई चमचागिरी कर रहा होता है, कोई उसके पीछे बटरिंग कर रहा होता है तो वो अच्छा होता है. आपको पता है चमचे ही बर्तन खाली कर जाते हैं. बट ये रियलाइज़ नहीं करना है, हमें तारीफ़ें अच्छी लगती हैं तो तारीफ़ें ही सुननी है. बट क्यों? और आप बोलते हो भारत आज़ाद है. सरकारी दफ्तरों में बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस की दुनिया भर के डिस्कशंस होंगे, बट अपने काम का डिस्कशन कम. बाय. सोचो क्यों करते हो ऐसा? वहां चेंज नहीं लाना? एक सरकारी नौकरी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सारे बच्चे समान हैं. स्कूल कितना अच्छा होता था, सब इक्वल ट्रीटमेंट होता था. पर जब हम बड़े होते हैं वी फेस द रियल वर्ल्ड. कोटा सिस्टम वॉज बॉट बहुत पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 10 ईयर्स शायद, लेकिन इसे परमानेंटली कर दिया गया क्योंकि हमें वो फेवर अच्छा लग रहा है. डोंट माइंड पीपल, बट जो SC ST में होते दे क्रेव सो मच फॉर दैट वन सर्टिफिकेट कि हम बैकवर्ड क्लास से. क्यों यार? तुम भी तो वही पढ़ रहे हो जो हम जनरल वाले पढ़ते हैं. तुम भी तो उन्हीं बुक्स के थ्रू गो थ्रू हो रहे हो जो हम, वही पेन, वही मेंटल यू नो सिचुएशन से गुजर रहे हो, फिर भी आपको वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? उस एक सर्टिफिकेट के लिए SC ST टैग वही कोटा में क्यों भरते हो आप अपना फॉर्म और अपने आप को बहुत महान समझते हो एग्जाम क्रैक करने पे? क्यों? जनरल में भरो ना, फेस द कॉमन कॉम्पिटिशन, विन देयर एंड देन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. मेहरबानियों पे प्राउड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो होना है यार. सरकारी नौकरी भाई, कैसे मिला दैट डजंट मैटर, बट मिल गया दैट इज इम्पोर्टेंट. अल्टीमेटली एवरीवन सीज दैट टैग ना. यू नो UP, बिहार, झारखंड, दिल्ली, दीज आर द टॉप 4 स्टेट्स विच आर अनसेफ फॉर वुमेन. वहाँ पे वुमेन रेप्स बहुत ज़्यादा हैं. 35 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिसमें से 31.1 केसेस सिर्फ दिल्ली की हैं, रेप केसेस. एंड वी से इंडिया इज आज़ाद. दिल्ली दिलवालों की है तो ऐसी भी क्या दिल लगी करते हो कि केसेस बढ़ती ही जा रही है? क्या हो गया है आपकी सोच? सोच. चाइल्ड अब्यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिजिकली, कुछ नहीं बोल पाते हैं वो, कुछ तड़प के मर जाते हैं और कुछ की फीलिंग्स मर जाती हैं.
लेकिन हम कहते हैं भारत आजाद है। कभी कभी ये गलतियां खुद पेरेंट्स कर जाते हैं, उन्हें रियलाइज नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है हम बच्चों को डांट रहे हैं, सुधार रहे हैं। बट वो सुधारना कभी इतना अति हो जाता है कि वो बच्चों की फीलिंग्स मर जाती हैं। आप क्यों नहीं सामने वालों की सुनना चाहते हो? आप बात भी करते हो तो सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपनी बातों को सामने रखनी है, बिना सामने वाले को समझे। प्लीज सामने वाले को समझो, फिर अपनी बात पेश करो, फिर अपने मुंह को खोलो। ऐसे ही बस क्योंकि एक आइडिया आपके दिमाग में है, आप मुंह खोल के नहीं बोल सकते। क्योंकि कोई आपके तरीकों को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो गलत नहीं है। वो पागल तो नहीं है ना कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई रीजन होगा, जानो तो सही। लेकिन हमें नहीं जानना है क्योंकि हम उस पुरानी सोच में जकड़े हुए हैं। सरकारी अफसरों को आज भी सर कहलाना बहुत अच्छा लगता है, बट अगर मैंने किसी को निलेश जी बोल दिया तो उसे बुरा लग जाएगा। यार मैं उसका सर हूँ, यार बॉस हूँ बॉस, तो मुझे ना सर अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है ना, तो अच्छा है। बेवकूफ हो, सर का टाइटल ना अंग्रेजों ने बोला था उन्हें बोलने के लिए। हम लोगों को, भारतीय अंग्रेजों को सर बोलते थे क्योंकि हम उनकी आज गुलामी में जी रहे थे। आप कौन सी गुलामी में जी रहे हो? सोच की गुलामी में जी रहे हो। बाहर निकलो तब आजाद हो पाओगे। औरतों का रेप होता है तो मीडिया कितना उछालती है, मर्दों मर्द अब्यूज होते हैं तो कोई क्यों नहीं उछालता। जी हाँ, मर्द भी अब्यूज होते हैं। मैन आर ऑल्सो टॉर्चर्ड, और कोई नहीं, फीमेल ही करती है। मैन आर टॉर्चर्ड बट ये केसेस कभी सामने नहीं आते हैं क्योंकि क्या है ना, फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है। हम औरतों को हक बहुत मिला हुआ है तो हम उसका दुरुपयोग भी बहुत अच्छे से करती हैं। यहाँ पे उसने मैन को अब्यूज किया, उसे उसे यू नो टॉर्चर वॉर्चर किया, एंड व्हेन केस इज बीन फाइल्ड वो अपने लॉयर से 10 रूल 10 नियम कानून उसी के ऊपर झाड़ देती है, थोड़ा आंसू गिरा लेती है, मामला खत्म। सारी चीजें फिर औरतों के फेवर में आके खत्म हो जाती है और वो बेचारा सॉरी बोल के केस शट डाउन करवा देता है क्योंकि वो कभी सामने आता ही नहीं है। तो वो मर्दों की पर्सनालिटी भी फिर वैसी ही बन जाती है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बट दैट इज अ शिट मेंटालिटी। यार मर्द या औरत होने से पहले यू आर अ ह्यूमन बींग, चेंज दैट थिंकिंग ना प्लीज। इंडिपेंडेंट हो जाओ अपने सोच से। जिस दिन आप अपने सोच से इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, उस दिन भारत सही मायने में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। सिर्फ किसी को एक शाबाशी दे देना, पता नहीं उसके लिए किस कौन से जादू का काम कर जाएगा। और किसी डिप्रेसिंग फेज में किसी को 10 गालियां सुना देना, कितना और डिप्रेसिंग और खतरनाक हो सकता है आपको तो आइडिया भी नहीं है। क्योंकि आप बस गुस्से एक इमोशन के कारण बस बोले जा रहे हो, यू डोंट इवन रियलाइज। और तब आप कहते हो भारत आजाद है। आपको पता है शर्मा जी की बेटी शॉर्ट्स में घूम रही थी, संस्कारी नहीं है। ऐसे गॉसिप आंटी आपको हर गली में मिलेगी करते हुए, लेकिन उनके बेटे अगर हाफ पैंट में, हाफ पैंट ना, नॉट इवन दैट बनियान ऑन टॉप, बाहर आ जाए, स्टड ना, हैंडसम है मेरा मुंडा, हाय सच में। सी व्हाट आई फील इज, बिफोर बीइंग अ मेल और अ फीमेल यू आर अ ह्यूमन। तो प्लीज इंसान हो, इंसान की तरह रहो। स्टॉप बीइंग जजमेंट, स्टॉप बीइंग यू नो ऑलवेज तराजू पे तोलना बंद करो। हमारे पास गर्व करने के लिए कितनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, हमारा इतिहास जो इतना खूबसूरत है। हमारे पास अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अच्छे अच्छे राजा थे। हमारे पास भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमें आजादी नाम की कीमती चीज वापस लौटाई है अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों की सोच को थोड़ा साइड में रखो, भूलो और थोड़ी बी इंडियन यार, भारतीय बनो, एंड जज करना बंद करो। तो इस वीडियो में बस आई जस्ट वॉन्ट टू से हैश टैग सोच बदलो,
Hashtag be independent. Hashtag stop being judgmental. And say no to all those things जिसके लिए आपकी आत्मा मना कर. Okay? I hope you like the video, and if you agree with me, please hit the thumbs up. Thank you, and do share the video. And like Management Nazariya slogan, never stop thinking and always keep innovating. Soch mein. Okay?